हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज, जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. गुड आफ्टरनून पहले तो. एंड नाम है तान्या एंड कोमल, जो ऑनलाइन जिनके आंसर्स आते हैं, राइट. कंटेंट की गेम ही नहीं है, लेट मी रीइटरेट, ये पोइट्री है, ये क्रिएटिव राइटिंग है. मेंस आपकी नॉलेज टेस्टिंग प्री में हो जाती है, राइट. उसके बाद में सिर्फ यही है कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है ना. जैसे कुछ वो ऐसे सवाल होते हैं ना जिनका आंसर सिर्फ आप ही के पास होता है. जैसे मैं पूछूंगा कि किसने आंसर नहीं लिखा, तो आपको पता है, आप ही के पास है उसका जवाब कि मैंने नहीं लिखा, राइट, है ना. तो ये कुछ वैसे वाले आंसर्स है कि इसको पर्सनलाइज ही लिखना होता है. लास्ट के हमने दो आंसर ऐसे ही किए हैं, एक में डिस्कशन थी, डिस्कशन के अंदर पर्सनल टच ना भी हो चलता है, लेकिन व्हेन वी आर सेइंग कि कमेंट, उसके अंदर मेरे को बुक नहीं चाहिए. आई रिप्रेजेंट एग्जामिनर, उसके अंदर एग्जामिनर को बुक नहीं चाहिए कि बुक में जो लिखा हुआ है कि लॉजिस्टिक सेक्टर क्या क्या करता है, ये करता है जी, इससे ये फायदा होता है, ये फायदा होता है. नहीं यार, तुम कमेंट करो, जैसे अपनी दोस्त की एक्स के बारे में कर सकते हो खुल के, ना, है ना, खुल के करते हो ना कमेंट. कमेंट करना है, कमेंट करना है, समझ रहे हो आप. मतलब इसमें नेगेटिव कमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट इट शुड बी पर्सनलाइज्ड. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ओपिनियन और बुक का सेम है, ओवरलैप हो गया. अब है तो पर्सनलाइज्ड लेकिन लैंग्वेज बुक वाली है. तो देर इज अ ट्रिक कि हम लोग क्या करते हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन यूज करना शुरू कर देते हैं लिखते हुए. आई फील या कुछ इस टाइप की, ना, एक आधी लाइन बस, कि बस एग्जामिनर को हिंट लग जाए कि ही फील्स, शी फील्स, या फॉर दैट मैटर दे फील, राइट. चलिए पुराने पाप धो लेते हैं एक दो. हमने ब्रह्मा 2D मॉडल, राइट, उसको वो देख लिया था. आप लोगों के पास प्रिंट आ गया है पिछले वाला? अच्छा, निकाल लो फिर, फोन निकाल लो व्हाट्सएप से बच बचा के. डॉक्यूमेंट में अगर आप देखोगे बच्चे, पेज नंबर 9, तो एक आपको सीधा सीधा सवाल इसके अंदर ये बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म ई सॉइल, राइट. बेसिक सा ऐसा सवाल बनेगा. तो ई, मैं क्यों आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं, बिकॉज अगर आप देखेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल दैट कंडक्ट्स करंट वेल एंड एक्सपेरिमेंट्स हैव कंफर्म्ड दैट बार्ले सीडलिंग्स ग्रो 50% फास्टर इन दिस सॉइल, राइट. तो ये सॉइल सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस दी जाती है, राइट. तो ये लिटरली व्हेन वी से ई सॉइल, इट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस दी जा रही हैं, राइट. तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है आपके लिए. जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें, ये आपको शायद पेपर में देखने को मिल सकती है, जिसको आपको टिक करना होगा, दैट इलेक्ट्रॉनिक सॉइल इज अ बायो इलेक्ट्रॉनिक ग्रोथ सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इज द मटेरियल जिसके अंदर पे आप इंटेंडेड चीज को ग्रो करते हो, राइट. Designed for hydroponic environments. अब hydroponic environment समझते हो आप, what is hydroponics? एक short note डाल लेते हैं इसके ऊपर.
It is a method of growing plants. जिनके पास नहीं है प्रिंटेड नए वाले डॉक्यूमेंट पे लिख लो कहीं पे. आज नए वाले डॉक्यूमेंट में इतना लिखने वाला काम नहीं है हमारे पास. आज समझने वाला ज्यादा है थोड़ा सा. इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ वॉटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन. In a soilless media. Soilless. ये एक ही वर्ड है पर आपको डैश डाल के भी लिखा हुआ दिख सकता है कहीं पे. SOILLESS. Soilless media. एक लाइन और लिख लो. द फंडामेंटल इज टू कि हम कर क्या रहे हैं इससे. द फंडामेंटल इज टू अलाउ द रूट्स टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रिएंट्स. एक्सक्यूज मी. क्या एडवांटेजेस होंगी इसकी हाइड्रोपोनिक्स की. देखा हुआ अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम चंडीगढ़ में कुछ लोगों के घरों पे लगा हुआ है ये इन दिनों. जो खाली स्पेस बची होती है छत पे तो वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स लगा देते हैं. फिर रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि ये देखो घर पे उगा लेटस इसको खाओ. उसमें मिट्टी भी नहीं होती तो इतना इतनी प्रॉब्लम नहीं है. एडवांटेजेस बता दो. मैं तो ऐसी स्टोरी सुनाने लग गया था तुम्हें. क्या लगता है सोच के देखो थोड़ा सा. एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सॉइल नहीं है, है ना, और रूट्स में डायरेक्टली वॉटर सॉल्यूशन के थ्रू आप न्यूट्रिएंट्स भेज रहे हो, क्या इसका फायदा होगा. और एक मैंने आपको हिंट भी दिया है कि चंडीगढ़ में लोगों ने घरों पे छत पे लगाया हुआ है इसको. क्या करेगा ये. देखो हालांकि ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जुड़ रहा पॉइंट, क्योंकि मैंने ऐसा कोई आपको फैक्ट नहीं दिया कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या नहीं, राइट. हालांकि ये पॉइंट सही है. देखना बच्चे वहां पढ़ा होगा पीछे. हाँ फर्टिलाइजर्स मिनिमल ना भी हो लेकिन आपकी सॉयल ही यूज नहीं हो रही है और आपका वाटर सर्कुलेशन में रहता है इसमें, राइट. आप न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस करते हो दैट मींस कि एफिशिएंट ज्यादा है लैंड यूज और आपका वाटर यूजेज के लिए, है ना. आई थिंक लिख लेते हैं इसको और बताओ. हाँ परफेक्ट. वो चंडीगढ़ वाला एग्जांपल इसलिए दिया मैंने आपको कि घरों पे छत पे लगाया हुआ है दैट मींस कि सर वहीं रख देना सर पीछे कहीं पे. वर्टिकल फार्मिंग इस केस में पॉसिबल है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको शहर के लिए लोक जैसे हम बोल रहे थे ना पहले हमने बात करी है कि अगर लोकल प्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम होता है कि यहीं उग रहा है आप यहीं पर कंज्यूम कर रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस केस के अंदर वी कैन डेडिकेट अ होल बिल्डिंग टू दैट, मतलब वाई नॉट हाइड्रोपोनिक्स के लिए. और धूप बारिश इसका भी कोई इशू नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स से चल रहा है और वो सस्टेनेबल भी है, लोकल प्रोड्यूस भी हो रहा है ना. इस टाइप की चीज़ें होंगी. तो एक तो आप यही लिख लीजिए लैंड एंड वाटर एफिशिएंसी. ये जो सॉइल एसिडिफिकेशन और ये सब वाली प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, राइट, हम एक्सप्लॉइट करते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये वो सारी प्रॉब्लम्स इसके थ्रू सॉल्व हो सकती हैं. कैन वी राइट सूटेबल फॉर अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज. ये एडवांटेज है इसका. थोड़ा सा अगर टेक्निकल लिखना चाहे ना तो आप इस टाइप के वर्ड्स भी यूज कर सकते हो कि लोअर रिसोर्स कंजम्पशन, कुछ इस टाइप के स्टेटमेंट्स बना सकते हो आप. लोअर रिसोर्स कंजम्पशन. न्यूट्रिएंट्स अगर डायरेक्टली रूट्स में जा रहे हैं और आपका वाटर सर्कुलेशन में है दैट मीन्स आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है.
पेस्ट कंट्रोल भी इसमें बेटर रहता है, जैसे वो फर्टिलाइजर और उस सब की बात कर रहे थे पेस्टिसाइड्स वगैरह की, तो पेस्ट कंट्रोल भी आपको इसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपन नहीं है आपकी बिल्डिंग है, यू कैन मैनेज इट वेल। हाँ मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट है, लिख दो क्लाइमेट रेजिलिएंट। और एक जो उन्होंने पॉइंट बोला था हायर यील्ड, एफएओ की रिपोर्ट आई है, एक पुरानी रिपोर्ट है, इसमें बोला था कि 25% ज्यादा यील्ड होती है हाइड्रोपोनिक्स में सेम प्लांट की। अगर इतना ही फायदेमंद है हो क्यों नहीं रहा है? इंफ्रा कॉस्टली है इसका। मास प्रोडक्शन तो हो सकती है इसकी, कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये जो पर्टिकुलर ई सॉइल है ना, ये बार्ले के ऊपर ही रिसर्च हुई है, ये सीरियल ही है आपका। क्लोज सिस्टम है, मैनेज हो सकता है, पर ठीक है, सोच सही रहे हो तुम, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी छोटी बहुत, कि आपका जो वर्कर है उसको मलेरिया हो जाएगा, है ना? और मलेरिया के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है? मलेरिया इज द लार्जेस्ट किलर बाय द वे। अब तक इतने किसी ने ह्यूमंस नहीं मारे जितने मलेरिया ने मारे हैं। हाँ चलो, बीमारियां हो जाएंगी और हो कि नहीं रहा, सोचो ना। सबसे पहला पहला इम्पेरेटिव क्या होता है? हाँ, एक तो फार्मर्स के पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कह सकते हैं कि प्रायोरिटीज अलग हैं अभी। ये एक मनी इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है टू स्टार्ट विद, और कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, इसको इंस्टॉल करने के लिए भी खुद ही डिजाइन बनाने पड़ते हैं लोगों को, कम अवेलेबल हैं। किससे कंपटीशन करना है? अच्छा राइट नाउ, हाँ हाँ, वो तो पता है, ये सेम प्रॉब्लम ना हमारी सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग्स के साथ में है। पड़ता सस्ता है वो, बिकता महंगा है ना? वो देखिए, वो रंग बिरंगी शिमला मिर्च कुछ भी रेट बोलते हैं मुंह फाड़ के, वो 30 रुपए का एक पीस है ना, दूसरे वाली कितनी 15 रुपए पाइया और उसमें 5 पीस चढ़ रहे हैं। सही है, वो अलग अलग मुद्दा है वो वाला, पर सही। और बताओ। अगर मास स्केल पे इसको अप्लाई कर दिया तो जॉब लॉस होगी। जितनी मात्रा में ये इंक्रीज हो रही है उतनी मात्रा में, हाँ उससे कम, उससे ज़्यादा लॉस होगा। आप बोल कम है, हाँ सही है पॉइंट। इसके अलावा ना, जैसे आप, आई थिंक आप में से किसी ने एक पॉइंट बोला था कि आप आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव प्रोजेक्ट होगा, है ना? और ऐसे देश में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फ़िलहाल कमी है, सारी स्टेट्स में नहीं पर ओवरऑल अगर देखें तो वहाँ पे, तो इस टाइप के इसके ड्रॉबैक्स रहेंगे। लिखने के लिख रहे हो साथ साथ? अटेंशन भी ज़्यादा चाहिए इनको, क्योंकि आपने रूट्स को मतलब आपने डिपेंडेंट कर दिया ना, वेंटिलेटर पे डाल दी रूट्स, तो अगर आपकी मशीन बंद होगी तो आपका प्लांट भी मर जाएगा। ऐसे लिख लो, रिक्वायर्स मोर अटेंशन, और सोचो डिजीजेस वाले पे। आपने पॉइंट तो बोला था, उसमें प्लांट डिजीजेस भी आया आपके दिमाग में? अगर एक प्लांट में डिजीज हो और हाइड्रोपोनिक है और वो सारा ही कनेक्टेड है और सेम ही वाटर सर्कुलेट हो रहा है, दैट मींस योर होल फसल है ना, होल बैच विल बी इन्फेक्टेड। अगर आ गया तो मतलब फैला तो कोविड भी था ही पता लगने के बाद भी, जस्ट इन केस अगर आ गया, ये एक प्रॉब्लम है,
We'll do whatever we want or whatever we can. Same as terrorism. फौज खड़ी है फिर भी अटैक तो हो ही जाता है. इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव. और क्योंकि ये वाला सिस्टम भी हाइड, ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अगर ई सॉइल के ऊपर भी अगर आपका सवाल आता है उसके भी सेम से ही रहेंगे एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स. अगर हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर कुछ भी आता है तो सेम ही रहेगा, राइट. तो आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर खेती हो रही है, अब देख लो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. बाकी डिपेंड करेगा कि सवाल आपसे किस टाइप का पूछा गया, किधर को लेके जाना चाह रहा है वो. बच्चे आज ऑनलाइन बैठे गए कोई, यहाँ पे किसी का कमेंट नहीं आया, प्लीज़ एक बारी गुड आफ्टरनून ही कर दो एक दूसरे को. आ जाओ बच्चे नेक्स्ट. पेज नंबर 10. एक MOU साइन होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना, राइट, फॉर 5 लिथियम ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन. बाय द वे एक आपको शायद पता लगा होगा कि ब्रिक्स में हमने पढ़ा था ना कि इन मेंबर्स ऐड होने वाले हैं, अर्जेंटीना ने मना कर दिया है, राइट. तो ये भी अर्जेंटीना के साथ है, तो सोचा आपको अगर लिखना चाहो तो यहीं पे साथ में लिख लो आप. अर्जेंटीना इज फॉर्मली रिफ्यूज टू ज्वाइन ब्रिक्स. एक सेटबैक है ब्रिक्स के लिए वैसे. रीज़न दिया था कि वो इट इज़ मोर अलाइंड टू द आइडियोलॉजी ऑफ US. अर्जेंटीना जो है, ब्रिक्स थोड़ा सा नॉन अलाइनमेंट पे चलता है, अलग चलता है. और इसमें रशिया है. आइए बच्चे, लिथियम के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है. एक जो चीज मिसिंग है, हमने आई थिंक लिथियम ट्रायंगल कम डिस्कस किया है, राइट. लिखा है नोट इसके ऊपर हमने कभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही वाला लिखा है हमने, पढ़ा हुआ है. आ जाओ बच्चे, इसका नोट बना लेते हैं. एक ब्राजील नहीं है बच्चे, बोलीविया है, ABC. लिथियम ट्रायंगल ये हेडिंग डाल लीजिए आप. ये आ सकता है पेपर में, और क्योंकि 3 कंट्रीज हैं लिथियम ट्रायंगल के अंदर, राइट, दैट मींस आप समझ सकते हो कि चौथा क्या करेंगे वो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ पीछे एक्स्ट्रा? अच्छा ठीक है. इट रेफर्स टू अ रीजन इन साउथ अमेरिका दैट कंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स. The region, next point, the region encompasses parts of ABC. Argentina, Bolivia and Chile. इसको ऐसे याद रखना आप ABC से, राइट. और इसका एक आप ब्रैकेट में डाल के लिख लो,
एबीसी पोजेस 58% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन लिथियम रिजर्व्स. क्वेश्चन लिख लो. लैटिन अमेरिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम. एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम. एनर्जी ट्रांजिशन समझते हो? yes. क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे? नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल्स की तरफ. एनालाइज द स्टेटमेंट. ठीक है, इजी इनफ. इसमें दो तीन जगह जा सकती है बात, राइट? तो आपने दोनों तीनों जगह देख लेनी है कैसे जाके जानी है. एक बात पकड़ के जाना चाह रहे हो तो एक बात पकड़ के चले जाना. कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि ये आपको लिथियम ट्रायंगल पे ही लेके जा रहा है मेनली. तो वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है इस सवाल के अंदर में कि आपको लिथियम ट्रायंगल के बारे में पता है या नहीं. लिथियम के बारे में पता ही होगा, ये बेस अजम्पशन है. और क्या क्या एंगल जोड़ सकते हो इसके अंदर आप? आईएसए, सोलर लाइंस, है ना? ब्राजील भी एक मेजर प्लेयर है. और क्या एंगल जोड़ोगे इसमें? ये मैं अपने ही आंसर्स फन कर रहा हूं थोड़े से, क्योंकि मैंने पढ़ने हैं ना. अगर तुमने प्लेन मैगी सर्व कर दी मेरे को, बिना मसाला भी नहीं डाला उसमें, तो कौन खाएगा उसे? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर वो वन वर्ल्ड वन ग्रिड. हाँ, वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला भी एंगल डाल सकते हो अगर कहीं पे फिट हो रहा है तो. और क्या कर सकते हो? जो हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं वो उसमें एक उसका अंश है बैटरी, एक पार्ट है बैटरीज, और बैटरीज की एक टाइप है लिथियम. ठीक है, इसके अलावा जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. आपके सोलर पैनल्स, आपकी विंड एनर्जी, ये वो. तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि लैटिन अमेरिका क्या कर रहा है और उनका मन है ट्रांजिशन करने का एनर्जी का. अगर है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, राइट? तो पैसा आएगा उससे, तो डिपेंडेंस उनकी बनाना चाहेंगे हम. तो इस टाइप के एंगल्स पे आप जा सकते हो. क्या सवाल एक बार रिपीट करोगे? करना आते पीछे. हाँ, सवाल तो अच्छा है. सवाल तो अच्छा है, लेके जाओ इसको, मजा आएगा तुम्हें घूम के इसमें. चले आगे. पेज नंबर 10 देखिए बच्चे इसके अंदर एक बार आप. हाँ, ये वही डॉक्यूमेंट है, इसकी डेट चेंज करनी है हमने, है ना? ये लिखी हुई है ऊपर, चेक करना क्या डेट लिखी हुई है इसमें हेडर में. 28 है ना डॉक्यूमेंट नंबर 20. हाँ, ये 24 है. रिवाइज करते हुए लगना था, नहीं तो तुम्हें पता शायद. बच्चे इसके अंदर मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर सेंट्रिक एक पोर्टल है ये, ई जागृति पोर्टल. इसके अंदर आप वो मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी मिनिस्ट्री का, या पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है ई जागृति, राइट? तो इफ यू सी पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 10 पे, लास्ट पॉइंट उस पे,
by spreading awareness, providing choices, efficient grievance redressal to consumers, right? तो consumers का जो जो टंटा रहता है, जो consumers को पंगा होता है, वो सब इस portal के ऊपर पूरा हो सकता है. And साथ में I have given you other initiatives launched by Ministry of Consumer Affairs. इसमें आप पॉइंट नंबर टू में जो NCDRC है ना बच्चे, एक बार इसको भी पढ़ लेना, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये. ये जब जब भी योजना मैगजीन ने कंज्यूमर अफेयर्स को कवर किया है, जब भी किया है, UPSC ने सवाल पूछा है उसके ऊपर. तो कंज्यूमर अफेयर्स और ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री UPSC की फेवरेट है, कुछ फेवरेट्स में से. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगी और इन चार पांच में से ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है. पूछ लेते हैं वो कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर. आप सिटीजन हो नहीं हो, आप कंज्यूमर जरूर हो अगर इस देश में आप हो, राइट? सो इसलिए ये सबको ही कंसर्न करता है, एवरीबडी इज अ कंज्यूमर. बस आ जाओ नए डॉक्यूमेंट में आ जाओ, बाकी उसको एक बारी आप सेल्फ रीड कर लेना, जो आखिरी एक बचा हुआ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड इन क्लास. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट देखिए. सो दिस इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, राइट? दिस इज द वन जो अभी तक, इससे पहले आर्म्ड इंसर्जेंसी के अंदर इन्वॉल्व थे, फिर इनके फैक्शंस है अलग अलग. नॉर्थ ईस्ट को समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टू कॉम्प्लेक्स. क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है? कि इसको होम मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर एक अलग से वेब पेज ही डेडिकेटेड है कि क्या चल रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ओनली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. आइसोलेटेड है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं और हॉस्टाइल है. क्यों? एक वन ऑफ द फैक्टर इज माइग्रेशन होती है. उनको प्रॉब्लम है कि हमारा कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है, कल्चर के अंदर आप मिलावट मत करो, आप बाहर रहो, नहीं बाहर रहोगे तो हम आर्म्स उठा लेंगे. ठीक है, एक फैक्टर और ठीक है, क्या कैसे बोलेंगे इसको हम, नेग्लेक्टेड है एरिया. हाँ, चाइनीज भी है, इनफैक्ट वो पूरा बॉर्डर ही पोरस है वो. मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जो इशू है दैट इज इट्स बॉर्डर्स, बॉर्डर स्टेट के अंदर इशू होता ही है. गोल्डन ट्रायंगल के पास वो इशू कैसे हुआ? अच्छा, नियरनेस की वजह से आप बोल रहे हो. ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होगी तो वेपन्स वगैरह भी आएंगे. पर ड्रग्स कंजम्पशन में वो इतना ऊपर नहीं है स्टेट, वो टू एंड फ्रो, मतलब कंपैरेटिवली अगर NCRB का अगर आप डाटा उठा के देखते हो, सरकारी डाटा, फीलिंग्स नहीं, वो अवॉइड करनी है. और हेंस द प्रॉब्लम्स. आपके घर में जब कोई गेस्ट आता है, आप लोग तो जाते हो ना ट्रे में सामान लेके आ जाते हो कि पहले पानी पियो, फिर चाय पियेंगे और साथ में कुछ खाएंगे, राइट? फ्रेंडशिप वाला कल्चर, राइट? हाँ, हेंस द हॉस्टिलिटी. ठीक है, और बताओ. हाँ बिल्कुल, वो सेम में ही आ गया वैसे.
अगर हम उस एंगल पे जा रहे हैं ना कि ट्राइब्स हॉस्टाइल हैं और इंक्लूसिव नहीं है, क्लोज्ड हैं, तो वो सबके लिए ही क्लोज्ड होंगे. हाँ, रिप्रेजेंटेशन कम है उनकी, और रिप्रेजेंटेशन कम इसलिए भी होगी क्योंकि वो एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन देते, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन देते, वो एरिया को देती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को देती है. वही जानना चाह रहे हैं क्यों. हाँ, मतलब वी कैन कॉल इट डेमोग्राफिक चेंजेस, माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक चेंजेस बोल देते हैं इसको, कि इस वजह से हॉस्टिलिटी अब वहाँ पे आती है. और सोचो, एक एक मेजर पॉइंट रह गया. जब इंसर्जेंसी, अभी क्या चल रहा है, अभी ये क्या है, ये पीस टॉक है एक. इससे पहले क्या होता था, पीस टॉक्स तो अब हुई हैं जो कि सक्सेसफुल हो रही हैं. एक एक करके सारे ग्रुप्स आते जा रहे हैं कि यार ये तो नौकरी भी देते हैं, है ना, घर भी चल जाता है, जेल से भी बच जाएंगे, गोली भी नहीं खानी पड़ेगी. हाँ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स वॉज एग्रेसिव बिफोर दैट, और हिस्ट्री गवाह है कि एग्रेशन नहीं नहीं काम करता. तो हाँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ लग रहा था, बस चल तो नहीं रहा, बिल्कुल चल रही है. रिस्पॉन्स ऐसे एकदम से कह सकते ना कि एक्सट्रीम था. तो ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा है, ये उससे पहले से चल रहा है. मतलब अगर इफ वी स्टार्ट टू राइट कि व्हाई हैज देयर बीन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर, है ना. तो वो पहले से चलता आ रहा है, सही बोल रहे हो. और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पीस टॉक की आप बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम फोर्सेस स्टेशन भी वहीं है. लाइक इट इज़ वेरी रीसेंट कि जब आपका जो आफ्सपा जो है वो आई थिंक हटाया गया है कुछ स्टेट से, अरुणाचल में कुछ कुछ जगह पे रह गया है, या आई थिंक पूरा हट गया है, फॉरगेटिंग एग्जैक्ट स्टैट्स क्या हैं, पर आफ्सपा अब कम होना शुरू हुआ है, अप डाउन जाना शुरू हुआ है. गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पहले एग्रेसिव ही था, राइट, और होना भी चाहिए. हम एक डरी हुई स्टेट थे, नए नए आप इंडिपेंडेंट हुए हो, आपके ऊपर इमीडिएटली आपका पार्टीशन हो रहा है, उसके बाद में वॉर हो रही है, 65 में भी वॉर हो रही है, चाइना भी अटैक कर रहा है, पाकिस्तान भी चाह रहा है ना. तो ऐसी अगर स्टेट और उसके इंटरनली अगर रिबेलियन शुरू हो जाए, राइट, तो हम लोग उसको एग्रेसिवली ही रिस्पॉन्स करेंगे. जो भी ऐसे डरे हुए नेशन होते हैं, इनसिक्योर नेशन हैं, आपको यही करते हुए दिखेंगे. एंड मतलब पीस टॉक्स वहाँ भी आपको होते हुए दिखेंगे, ऑस्लो एकॉर्ड्स और ये सब सुना होगा आपने नाम, उन जगहों पे जहाँ पे अब वॉर चल रही है, राइट. आ जाओ लिख लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा, एक बार ना डॉक्यूमेंट देखो बच्चे साथ में. ये जो बातें आपने बोली हैं, इसके स्टार्टिंग में ही ये जो अकॉर्ड है उसी चीज को हाईलाइट कर रहा है. पढ़िए एक बार इसको. द अकॉर्ड एड्रेसेस की इश्यूज, कौन कौन से, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो अभी आप लोगों ने बताया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड री इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर इंसर्जेंट्स इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बेस्ट मेथड. जिस चक्की में आप पिस रहे हो उसी में ले आओ, है ना. इच्छाएं पोस्टपोन करते रहो, मिनिमम कमाओ एंड फंसे रहो इसमें, नहीं उठाने वेपन्स, टाइम ही नहीं है सोचने का आइडियाज के बारे में, है ना. देर इज अ रीजन भगत सिंह ने जेल में जाके लिखी किताब, बाहर तो उलझा रहता है ना बंदा, बाहर कहाँ टाइम है किसी के पास. सोच के देखो इस चीज को, इट रिक्वायर्स आइसोलेशन कि आप अपने आइडियाज को आंख में आंख डाल के देखो. तो इनको मेन स्ट्रीम में ले आओ, बस इनको टैक्स स्ट्रक्चर में डाल दो कि मार्च अप्रैल में जून जुलाई तक ये टैक्स के लिए कंप्लेंट करेंगे, और है ना, फिर एक छोटी छुट्टी पे जाएंगे. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट देखिए. फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें की हाइलाइट्स में, एग्रीड टू शन वायलेंस एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम. थर्ड पॉइंट देखिए, द अकॉर्ड एक्नॉलेजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज. वो तो इनकी वेबसाइट ही करती है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Acknowledges the complexity of issues, including political insecurity and interplay of socio-economic factors. North East में अगर आपको कोई issue मिलेगा, if you want to conclude, this is the term. North East के जो issue हैं, it is socio-economic issues. ठीक है, social में आपका वो inclusivity, exclusivity वो सब आ जाएगा. Economic factor जैसा आप लोगों ने बोला, कौन ही वहाँ पे invest करेगा. और समझ ही सकते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
हॉस्टाइल प्लेस है तो नहीं है, आप लोग भी अगर कश्मीर में कुछ हो जाए तो आप लोग नहीं जा, टूरिज्म नहीं जाता है वहाँ पे, हैंस नहीं हो रहा है. नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म. आइए बच्चे आगे देखते हैं. नीचे हैव ट्राइड टू कंपाइल ऑलरेडी, जो आप लोगों ने अभी अभी पॉइंट्स बताए हैं ना, रीजंस फॉर इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट रीजन, एथनिक डाइवर्सिटी, जिससे डिसएग्री करोगे बता देना, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कि एक तो ज्योग्राफिकली कटा हुआ है बाकी इंडिया से और कल्चरली भी कटा हुआ है और हिस्टोरिकली कटा हुआ है, राइट right? तो इंटीग्रेशन की कोई खास कोशिश हुई भी नहीं है, हक में नहीं था. इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, जैसा उन्होंने पॉइंट बताया था, ये भी समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है इसमें? बॉर्डर्स एंड कनेक्टिविटी, बॉर्डर्स एंड कनेक्टिविटी का मतलब यही है कि यहाँ पे कितने बॉर्डर्स लगते हैं इधर, चार मेजर कंट्रीज के, कौन कौन सी? भूटान, समहाउ हम सिक्किम को बाहर ही रखते हैं, 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें सिक्किम नहीं है, सिक्किम इज द 8th वन, उसको ब्रदर कहा जाता है, 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स एंड अ ब्रदर. पीसीएस में अगर ये क्वेश्चन आ गया या एचपीएस में आ गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना, सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं गिनी जाती 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. देन इज पॉलिटिकल एलिनेशन, when you are not part of decision making you are in discontent, आप सेटिस्फाई नहीं होते हो गवर्नमेंट से, राइट right? तो डिसीजन मेकिंग का अगर आप पार्ट नहीं हो, जो पॉलिटिकल एलिनेशन का पॉइंट है वो ये मतलब है उसका. एलिनेशन ऊपर भी है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन वहाँ पे भी है, एंड इफ यू सी हिस्टोरिकल फैक्टर्स और आपका ज्योग्राफिकल जो पॉइंट है, हाँ एलिनेशन वहाँ पे भी है. पॉलिटिकल एलिनेशन का मतलब ये रहता है कि आप डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बन पाते हो एंड हैंस डिसकंटेंट, है ना, और आपकी सोसाइटी ट्राइबल है, दैट मींस आप नेचर को गॉड ही मानते हो, उससे ऊपर मानते हो, नेचर इज एवरीथिंग फॉर यू, है ना, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उसको खराब करते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स इन प्लेस लाइक Schedule 5, Schedule 6, राइट, एक अलग से मिनिस्ट्री है ना, हमने गवर्नर को पावर दे रखी है उन स्टेट्स में कि आप सेटअप करोगे, ट्राइबल काउंसिल हैं कुछ कुछ स्टेट्स में, और हमारे पास आफ्सपा भी है, ठीक है. तो अब समझ में आया कि क्यों नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को मैं कॉम्प्लेक्स बोल रहा था. आपके पास कभी भी सवाल नहीं आएगा एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो सीधा माइक्रो में ही जाएगा, थोड़ा सा एक स्टेप अंदर का पूछेगा वो सवाल, क्योंकि फेस पे तो बहुत अजीब सी प्रॉब्लम है ये. बस लास्ट चीज, फिर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंसर्जेंसी. आप लोगों ने बताने हैं, कौन सी ग्रोथ में, कैन वी कॉल इट इकोनॉमिक डिसरप्शन, सोशल डिसइंटीग्रेशन, ये लिख लो, कौन सी इंस्टेबिलिटी, ओवरऑल इंस्टेबिलिटी, ओके, ये कंक्लूजन में डाल देना अगर इसके ऊपर आता है, यही तो वो पूछना चाह रहा है, ओवरऑल इंस्टेबिलिटी कैसे, इकोनॉमिक डिसरप्शन, ठीक है, कैसे, इंसर्जेंसी कैन इंपैक्ट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हेंस आपकी मनी सर्कुलेट नहीं होगी, इसी को इकोनॉमिक डिसरप्शन कहा जाता है. अगर मनी हाथ नहीं चेंज करेगी, इफ योर जो नोट आपकी जेब में पड़ा है अगर वो अपना मालिक नहीं चेंज कर रहा, मतलब इकोनॉमी नहीं चल रही है, राइट right? ये हम कर चुके हैं ना डिस्कस पहले भी, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का एक मेथड होता है. इंडिया में जो लास्ट चेक हुआ था दैट वाज अराउंड 40
If one note is printed, it affects the life of 40 people. UK में it is 200. One note is printed, वो 200 लोगों की life को affect करता है, right? तो हमने इसको increase करना होता है. Money should change hands fast. कैसे करेगी money change hands fast? By specialization in economy. जितनी ज़्यादा specialization, उतनी ज़्यादा money आपकी economy grow करेगी. जैसे for example, आपको अब cricket हमारा काफ़ी ऊपर पहुँच चुका है. आपके पास में बॉलिंग कोच अलग है, फील्डिंग कोच अलग है, फास्ट बॉलर का कोच अलग है, स्पिनर्स का कोच अलग है, स्पेशलाइजेशंस, राइट? तो किसी भी जगह की ग्रोथ पे आप ना, मतलब अगर पर्सनली स्पीकिंग अगर आप जज करना चाहो तो आप देख सकते हो कि स्पेशलाइजेशन कितनी है, कौन सा बंदा क्या स्पेसिफिक काम कर रहा है, राइट? आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक या तो मैक्स वेबर या पार्सन, टेलकट पार्सन, इन दोनों में से किसी एक ने इसके ऊपर स्पेसिफिकली कमेंट किया है. किसने किया? वेबर ने किया. हाँ, कि स्पेशलाइजेशन अगर इकॉनमी में आती है, दैट मीन्स कि इकॉनमी ग्रो कर रही है. तो उसने, चलिए और बताइए क्या 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 डिस्कस किया अभी हमने. इकोनॉमिक डिसरप्शन, सोशल डिसइंटीग्रेशन. कैसे होगी सोशल डिसइंटीग्रेशन? सोशल डिसइंटीग्रेशन कैसे होगी? सवाल सुनो. अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाँ, लोग भाग जाएंगे वहां से. बस यही मतलब है इसका. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, वहां पे सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. वो इंसर्जेंट्स हैं. इनकेस अगर कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया में कोई है, राइट, अगर कुछ सरवाइव कर रहा है, कोई इकोसिस्टम सरवाइव कर पा रहा है, तो मोस्टली वो वही होंगे. सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना. सोशल डिसइंटीग्रेशन का ये मतलब है वहां पे. और इंसर्जेंसी हो रही है तो क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर. और आपका इंफ्रा डैमेज होता है. नेशनल सिक्योरिटी तो है ही है. मतलब उस समय क्या हो रहा है जब आपका ये हो रहा है, राइट? इंसर्जेंसी लिख लो बच्चे, अगर लिख सकते हो तो. हमें अल्टीमेटली ये कंक्लूजन में डालना बच्चे. जैसे उन्होंने बोला ना कि ओवरऑल इंस्टेबिलिटी, और फिर हम बोलेंगे कि इट विल ट्रिकल डाउन टू नेशनल सिक्योरिटी, मुद्दा वहां चला जाएगा. सही सोच रहे हो, गुड. और इसी से पॉइंट निकलेगा एक और. सोचो जरा, थोड़ा सा और सोचो. सोसाइटी डिसइंटीग्रेट होगी, वो लोग कहाँ गए, क्या बन गए वो? हाँ, रिफ्यूजी क्राइसिस. लिख लो, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस. समझे क्या चल रहा है टॉपिक में? हाँ, परफेक्ट. ओवरऑल वही जो उनके वाला पॉइंट था कि आपकी इकोनॉमिक डिसरप्शन की जब बात करते हैं, ये कुछ हद तक उसके अंदर आ सकता है कि आप फिर वहाँ पे कुछ नहीं, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. आपको पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी पड़ेगी. इन माइग्रेशन, कंट्री के जो इंटरनली माइग्रेट होता है, जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस होंगे वायलेंट अफेक्टेड एरिया से, उसको कहीं तो सेटल करना पड़ेगा ना आपको. माइग्रेशन नहीं कहेंगे इसको. माइग्रेशन ना, मतलब वो दो तरह की होती है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री. तो हमें बताना पड़ेगा इनवॉलेंट्री माइग्रेशन. इसको हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट वर्ड दे सकते हैं, इट इज मोर क्लियर. माइग्रेशन थोड़ा सा ये, वैसे भी तुम पंजाब वाले एरिया से हो ना, माइग्रेशन के नाम पे यहाँ पे काफी क्लियर है मुद्दा कि माइग्रेशन क्या होती है. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजी इश्यूज, ये बनेगा पॉइंट. कोई एक जाना तो बोल दो, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि हमारे लिए ह्यूमन लाइफ मैटर नहीं करती है. किसी के नहीं आया ना दिमाग में कि लोग मर रहे हैं,
ह्यूमैनिटेरियन लॉस, ये नंबर वन पे होना चाहिए पॉइंट, प्लीज अगर कहीं नीचे लिख रहे हो तो उसके आगे वन लिख देना. एग्जाम में अगर आप डॉक्यूमेंट, आपको मिला नहीं बच्चे, हाँ बिल्कुल, फिस्कल बर्डन. हाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कुछ और कहना चाह रही है, वो बोल रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस नहीं करेंगी, वो जो मैं अभी बताया था आपको कि भी मनी हैंड्स नहीं चेंज करेगी. बिल्कुल हो सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी उन्होंने बोला, इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हो, मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इसलिए क्योंकि बिखर ना जाए, अलग स्टेट बनाने की डिमांड हो रही है, यूनिटी की अगर साथ में रह रहे हैं तो हम हो सकता है पसंद ही कर लें एक दूसरे को. एक इसमें बस हल्का सा स्पिरिचुअल पॉइंट और रह गया, तो एक छोटा सा पॉइंट कि ना इन जनरल सरकार में ट्रस्ट कम हो जाता है ऑल ओवर इंडिया का ही, बाकियों का. सर एडवर्स कंट्रीज जो है वो उनको भी इजी होगा. हाँ बिल्कुल, एनहैंस्ड एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हमने अभी पीछे उसमें देखा ना, पॉइंट नंबर 4 में बॉर्डर्स एंड कनेक्टिविटी, ये उसके एंगल पे जाएगी ये बात. ठीक है समझ गए हो तुम टॉपिक मतलब. अब बस एक आखिरी लिख लो, कैसे लिखेंगे, इरोजन, इरोजन लिखो, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस. अब कराते रहो इलेक्शन, लोगों को भरोसा ही नहीं है. बच्चे एक ना साइड पे फैक्ट मतलब नोट डाल के लिख लो, स्टेटस ऑफ आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. त्रिपुरा मेघालय कंप्लीटली विथड्रॉन. ये आपके हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, जहाँ पे आप बोलोगे कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई हैव रेड समवेयर, वो दिस इज दैट समवेयर वेयर यू आर रीडिंग, त्रिपुरा एंड मेघालय कंप्लीटली विड्रॉन, अरुणाचल प्रदेश, लेफ्ट ओनली इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, And 2 police stations in 1 district. मतलब वो district पूरा नहीं है. असम 60% free from AFSPA. आजा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक.
तो बच्चे ये जो टॉपिक है ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंडिया ने किसको पेमेंट करी है, ये सिर्फ हिमाचल और राजस्थान वाले पढ़ लें कि पहली बार क्रूड पेमेंट की रुपी में किसको करी है हमने, है ना, दैट इज़ यूएई, राइट। प्लस साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि यूएई के अंदर कौन कौन से किंगडम है, राइट, किन किंगडम्स को मिला के यूएई बना हुआ है, और इस टाइप की चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है ये वाला, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। ये हमने शुरू कर दिया है कि हमने डॉलर को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, राइट। इफ यू सी पॉइंट नंबर 3, करंटली द डोमिनेंट रिजर्व करेंसीज आर, पढ़िए उसको, यूएस, यूरो, येन एंड स्टर्लिंग। यहां पे साइड पे एक नोट डाल लो, द प्राइमरी कंटेंडर, उसी के साथ में डाल लेना बच्चे, जो पॉइंट है ना, डोमिनेंट रिजर्व्स, वहीं पे, द प्राइमरी कंटेंडर चैलेंजिंग द यूएस डोमिनेंस या यूएस डॉलर डोमिनेंस इज चाइनीज रेनमिंबी, दे कॉल इट RENMINBI। एक और पॉइंट यहां पे लिखो, ये आपको पता नहीं कहां काम आएगा पर ये आएगा जरूर, लिखो यूएस डॉलर सुप्रीमेसी। इससे मुझे याद आया सुपर वर्ड से, बच्चे इसमें ना जो आपके आंसर्स होते हैं इसमें स्लैंग मत डालो, ठीक है, जो आम भाषा के है ना, ये वेरी कूल, ठीक है, सुपर ऑसम, ठीक है, स्लैम बुक नहीं भर रहे हो आप, यूपीएससी का आंसर है, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं क्योंकि भूल गया हूँ, लेना चाह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं चाह रहा था मैं उसको बोल ही दूँ आज के आंसर तो सुपर कूल था, हाँ, लेकिन मार्क्स थोड़े सब मिलेंगे आपको, राइट। तो थोड़ा अवॉइड करना है, फुल फॉर्म्स भी लिखा करो उसके अंदर, जैसे एक का था उसने आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे को ES लिखा हुआ था, है ना, वो तो बाय चांस हमारा टीचर पढ़ा लिखा है ना, उसको पता है कि क्या कहना चाह रहे हो आप इकोनॉमिक्स, तो पूरा लिखना है वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्ट लिख देना, अगर मैंने कॉन्स्टिपेशन समझ लिया तो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, एज्यूम नहीं करना कुछ भी, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, पूरा लिखना है, और दो चार चीजें और ध्यान में रखनी है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है आपने तो सी कैपिटल लिखना है आपको, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, हाँ, मतलब ये वो है, ये दूसरी चीज नहीं है कोई, तो थोड़ा केयरफुल रहो, स्लैंग्स वगैरह अवॉइड करने, और इकोनॉमिक्स के जब खासकर आंसर आते हैं ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी होगी, ट्राई टू यूज टेक्निकल टर्म्स, क्योंकि वहां पे हैं टेक्निकल टर्म्स, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द आंसर्स आई वाज रीडिंग, उसके अंदर में था कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर बात हो रही थी कि कैसे ना ये आपका जो सामान है ये आने इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री लाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इट इज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, सबको पता है, यूज द टर्म फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, एफिशियंट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, एक पैरा इस चार वर्ड्स ने खा लिया, राइट। तो खासकर वो वाले सब्जेक्ट जिसके अंदर इस टाइप के टर्म्स अवेलेबल हैं, है ना, तो आप डाल सकते हैं उसके अंदर। क्या बात कर रहे थे हम, हाँ जी लिखिए, इज अपहेल्ड बाय द साइज ऑफ द यूएस इकोनॉमी, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है कि अगर इंडिया की करेंसी को हम चाह रहे हैं कि वो इंटरनेशनलाइज हो जाए तो कैसे होगी, है ना, कि कौन जोन सी है वो उसमें क्या हो रखा है, बाय द साइज ऑफ द यूएस इकोनॉमी कॉमा एक्सटेंसिव ट्रेड एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स,
कॉमा एक्सटेंसिव ट्रेड एंड फाइनेंशियल नेटवर्क्स कॉमा डीप एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स डीप एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स कॉमा हिस्ट्री ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉरगेट अबाउट द फेमस वंस फेमस डिप्रेशंस सबसे इंपॉर्टेंट एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में कौन सी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है अभी हाँ वी हैव करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वी डू नॉट हैव कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कहने का मतलब हाँ जी हाँ पार्शली है तो फुल चाहिए हमें फुल चाहिए सरकार कंट्रोल करती है अभी फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब कहने का मतलब कि करंट तो है ही है करंट के अंदर आप ना खर्चा वर्चा कर सकते हो कि एक्सचेंज कराया और आपने सर्विस ले ली प्रोडक्ट ले लिया ये सब कर सकते हैं इसको बोलते हैं करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाती है राइट उसको हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं तो वो हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं नहीं तो हमारी इंडस्ट्रीज को एमएनसीज खा जाएंगी इनकेस अगर हमने नहीं किया सो वी आर एमिंग कि हम मतलब 2060 तक हम फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तक आ जाएं करंट जो सोचा जा रहा है राइट तो इनकेस अगर आपको इकोनॉमी से कोई आंसर एंड करना है या फिर इस मतलब कोई भी आंसर आपका इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के ऊपर आ रहा है तो यही बोलोगे दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बाय 2060 राइट तो ये स्पीच वगैरह में आ जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी को स्पीच दे रहा है उसमें बोल देता है वो डॉक्यूमेंटेड कम है ये 60 मतलब 2060 वाला जो स्टैट है बच्चे एक बारी देखिए आई हैव रिटन डाउन एडवांटेजेस आपके लिए एक बारी पढ़िए उसको प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी वॉलेटिलिटी डिक्रीज नीड ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इंप्रूव्ड बार्गेनिंग पावर इसके ऊपर कोई भी सवाल अगर उठ रहा है मन में आई वुड सजेस्ट कि इसको ना थोड़ा टाइम स्पेंड करना इसके साथ में कि इसने ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि करेंसी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है जब आपकी रुपी जो है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा थोड़ा सोचना इसके बारे में क्योंकि इकोनॉमिक्स के जब क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि अगर आपने पीछे की ट्रेल पकड़ ली एंड इफ दैट ट्रेल इज़ पर्सनल ना कि आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि यार इसलिए हुआ होगा तो जनरली ट्रू ही होती है और यूपीएससी में चलती है राइट तो स्पेंड सम टाइम विद इट राइट ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे एक दो और यहां पे कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं हम आपको ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो लिखवाने की जरूरत नहीं है आप लोग डिटेल में करते हो ना उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में और उसमें राइट है ना इकोनॉमिक्स होगी है सबकी आगे चलो फिर बस बहुत है ये तक इंडियन रुपी ऑफिशियल करेंसी थी कुवैत कतर बहरेन इन सब कंट्रीज की अवेयर हो उसके बाद में उन्होंने चेंज किया है एक हज रुपी अलग से निकलते थे वहां पे खर्चने के लिए यू कुड इजीली लाइक इंडिया के रुपीज तुम वहां जाके दुकानों पे चलाते थे बिफोर 19 लिख लेंगे इसको आ जाओ लिख लो क्या पता प्री में आ जाए उसको इंडिया में उसको एक्सटर्नल रुपी कहा जाता था गल्फ रुपी एक्सटर्नल रुपी आ जाओ लिख लो बच्चे द इंडियन रुपी वॉज ऑफिशियल करेंसी इन गल्फ कंट्रीज द
अच्छा, कहने का मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी कोई नई चीज नहीं है, ये पहले था। आरबी 1959 आरबीआई ऑथराइज था इसके लिए। लिखिए बच्चे आगे, इंक्लूडिंग कुवैत, बहरेन, कतर, यूएई, अंटिल द अर्ली 1970s। एक शॉर्ट में लिख लो इसको, आरबीआई वॉज ऑथराइज इन 1959 टू इशू गल्फ रूपी और एक्सटर्नल रूपी, एक कोट्स में डाल लेना। तो आपको इस तरीके से सवाल आ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रूपी है ये कौन सी कंट्रीज के लिए छापा गया था, राइट? इस टाइप का कोई सवाल आ सकता है इस पे। टॉपिक वही है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। सेमीकॉलन, हेल्ड द सेम वैल्यू एज इंडियन रूपी। एक हज नोट्स भी निकाले थे जो कि सऊदी रियाल्स के लिए फ्रीली एक्सचेंजेबल थे, लिखने की जरूरत नहीं है। द डीवैल्यूएशन, लास्ट पॉइंट लिखते हैं, द डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी In 1966, prompted the discontinuation of Gulf rupee. ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्री में अगर कुछ आया तो इसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा ज्यादा। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट। After five prolongation of deadlines, finally ये इस साल से ये लागू हो गया, that is ABPS for MG Naregs या Manregs या जो भी आप बोलते हैं उसको। There is the Azim Premji, एक यूनिवर्सिटी है, Azim Premji यूनिवर्सिटी, उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं बार बार। उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मनरेगा अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ द इनकम लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग COVID-19। ठीक है, तो एक ये जो मनरेगा है ये लाइवलीहुड गारंटी एक्ट है बाय द वे, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो अभी आईएएस ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, जिनको 15-15 साल हो गए हैं सर्व करते हुए, उन्होंने भी ये स्कीम पढ़ी है, आप भी ये स्कीम पढ़ोगे, और जो आने वाले हैं वो भी ये स्कीम, जब सर्विस में चले भी जाओगे तो भी आगे वाले लोग ये पढ़ते रहेंगे ये वाली स्कीम, क्योंकि ये है ही ऐसी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स में से एक है ये, राइट? एंड COVID-19 के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इनकम लॉस मनरेगा से पूरी हो रही है, राइट? इसलिए ये पर्टिकुलर चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है ABPS? इट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, है ना? कहने का मतलब जो वर्कर्स हैं उनकी जो पेमेंट है, राइट, वो आधार बेस्ड उनके बैंक अकाउंट से ही होगी, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो ही होगा, और उनके जॉब कार्ड के अंदर उनको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना ही कराना है। क्या इशू होगा इस पूरे मूव में? पेन छोड़ो, ऊपर देखो, बताओ। हाँ, इशू क्या है फिर? आधार तो बन जाएगा, सोचो इशू क्या है। बोगस पेमेंट्स, वही तो अवॉइड करनी है।
उसी का मूव है ये, अब बोगस करना मुश्किल है। हाँ एक कंसर्न तो ये है, यस यस है, अगर हम 2 साल के अंदर अंदर 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों का वो कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं, राइट 3-4 महीने के अंदर अंदर हम लोग वैक्सीनेशन की पहली डोज लगभग 100 करोड़ लोगों को दे सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी की कमी नहीं है। और बताओ कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड करूं आपको, शायद थोड़ा सा काम आसान हो जाए। बेसिकली जो मूव है ना, ये वो चाह रहे हैं कि 100% ऑफ द पेमेंट्स जो हैं वो आधार लिंकेज से जाएं। 5 डेडलाइन दे चुके हैं, 5 बारी प्रोलॉन्ग हुई है, 6 भी नहीं करी, अब पेमेंट्स रुकेंगी, ठीक है। और वो जो डेटाबेस है वो कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट? लेट मी गाइड यू, इससे पहले तुम वाइल्ड गैस मारने शुरू करो। कहाँ हो रहा है मनरेगा का काम? स्टेट्स में, गांव वगैरह में हो रहा है, ग्राम पंचायत के अंडर हो रहा है। ग्राम पंचायत किसको रिपोर्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो लिस्ट कौन मेंटेन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। और ऊपर से ऑर्डर आ गया कि 100% लोगों का होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसे केस में? स्टेट गवर्नमेंट को पेपर्स में दिखाना है तुम लोग अगर स्टेट के आईएएस ऑफिसर बनोगे, तुम्हारे पास में टास्क आएगा, टास्क एट हैंड क्या है तुम्हारे पास, 100% ऑफ द पेमेंट्स विल बी डन बाय एबीपीएस, नो वन शुड बी एनरोल्ड विदाउट आधार, तो तुम क्या करोगे? चलो तुम छोड़ो, सरकार क्या करेगी? विलन बना देते ना कोई, तुम लोग तो नहीं मानोगे अभी। हाँ पूरे किस तरीके से करोगे, या तो जैसे उन्होंने फेक पॉसिबल नहीं है, आधार है ना, हाँ फेक पॉसिबल नहीं है, एक्सक्लूजन होगी, आप नाम काटोगे जिसकी नई लिंकेज, तो उसका जॉब कार्ड कट हो जाएगा, और ये हो भी रहा है, ये पंगा है इस पूरे इशू के अंदर। तो अगर इसको यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछेगा तो वो इस एंगल पे लेके जाएगा। यार ये लोग ना मतलब डिजिटली लिटरेट नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे चलो इस चीज को, मैंने आपको क्या बोला, मनरेगा इज द लाइवलीहुड गारंटी एक्ट, उसका स्पिरिट है आपको लाइवलीहुड गारंटी करना है, और हम एक्सक्लूजन किस बेस पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि एक्ट के स्पिरिट के खिलाफ हो गया? एक्शन जस्टिफाइड है नो डाउट कि 5, उन्होंने सही बोला है, 5 डेडलाइन दे दी है ना, बट आपके एक्ट के उसके खिलाफ चला गया, शुरुआत तो हमने इसीलिए करी थी। ये नहीं मुझे पता, आप जब सरकार में जाओगे गिव मी अ कॉल कि काम क्यों नहीं हो पा रहा, यही तो रोना है। हाँ काम चोरी एफर्ट है यार, कौन जाके पीछे पड़ेगा, कौन मुंह लगेगा गरीब लोगों के, है ना? हाँ एलिटिज्म, अलग 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 मेथड्स थे, कैश भी जाता था और ग्राम पंचायत के थ्रू भी, अलग अलग मेथड है हर सरकार। नॉट आर कंसर्न फॉर नाउ, आता है उनको डीबीटी है, क्यों करते हैं डीबीटी हम? और इंटरमीडियरीज हट जाए, उनकी कॉस्ट नहीं थी वैसे कोई। लीकेज बोलना चाह रहे हो आप, इसका भी डेटा आया था, आपको पता है कि लीकेज इतनी नहीं है जितनी हमें लग रही थी। अगर लीकेज ज्यादा होती तो जैसी हमने डीबीटी, समझो इस बात को, लीकेज अगर ज्यादा होती तो जैसी हमने डीबीटी किया तो हमारे पास भारी मात्रा में पैसा बचना चाहिए था, यही लॉजिक तो यही बोलता है, नहीं बचा। लीकेज का मुद्दा नहीं होता है, जब भी हम डीबीटी करते हैं ये ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे में ज्यादा आता है,
इसकी भी एक खास डिबेट चलती है, 2019-20 के अराउंड बहुत डिबेट चलती थी ये यूपीएससी के बच्चों के बीच में ही ना, कि लीकेज है नहीं है, तो फिर वो आपके नीति आयोग ने डाटा निकाल के मारा मुंह पे हम सब के, राइट? जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था कि सारे ही नोट वापस आ गए लगभग, है ना? तो वह जब डाटा आता है, डाटा कुछ और बता के जाता है आपको। आइए अपना एक एक स्टैट लिखो यहाँ पे, थोड़ा क्लियर होगा क्योंकि शायद मैंने स्टैट पढ़ा हुआ है तो मेरे दिमाग में अलग पिक्चर चल रही है इस समय, आपके अलग चल रही होगी। ये फटेगा तो नहीं ना अब किसी ने? आ जाओ बच्चे लिखिए। ये मैं आपको 27 दिसंबर तक का डाटा बता रहा हूं, यू नीड नॉट राइट इट। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये मनरेगा? किसके अंडर? यस परफेक्ट, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 34.8% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन इन एलिजिबल फॉर एबीपीएस। ठीक है जी, पहली पिक्चर मिली, 34.8% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स, मनरेगा का जॉब कार्ड बनता है, रिमेन इन एलिजिबल फॉर एबीपीएस। जॉब कार्ड होल्डर का मतलब ये नहीं है कि वो जॉब कर रहा है, ठीक है? हाँ तो सेंट ही नहीं होना इस फैक्ट पे ज्यादा, जो एक्टिव वर्कर है उनका 12% ही है अभी भी, है ना, छोटा सा नंबर। हाँ सटायर था, सरकैज़म है, वो बड़ा नंबर है। लिखिए 25 करोड़ वर्कर हैं एक्टिव वर्कर, उसका 12% बोल रहा हूँ मैं। हाँ ज्यादा है, इट्स टू मच। लिखिए बच्चे आगे, ऐसे लिखो इसको, ऑफ द 25 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स, ट्वेल्व ऑफ एक्टिव वर्कर्स आर स्टिल नॉट एलिजिबल फॉर एबीपीएस। इसलिए मुद्दा है ये, एबीपीएस पढ़ाने के लिए टॉपिक नहीं आया ये, वो तो शायद आपसे पूछे भी ना। ये ऐसे आ सकता है कि एबीपीएस अभी मैंडेटरी हुआ है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स के लिए मैंडेटरी हुआ है, या फिर वो लिस्ट दे सकते हैं कि इनमें से किस किस के लिए मैंडेटरी है ऑलरेडी, आधार लिंकेज किस किस के लिए मैंडेटरी है, राइट? तो इस टाइप का सवाल आ सकता है। वैसे यहां ना ब्रैकेट में आप एलिजिबिलिटी भी लिखी लो, एक्टिव वर्कर किसको कहा जाता है, एक्टिव वर्कर वन हु हैज वर्कड एट लीस्ट वन डे। ये देखना जरा आपके होश उड़ने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, हु हैव वर्कड एट लीस्ट वन डे ओवर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो तुम भी अपने आप को वर्कर बोल सकते हो, एक दिन तो तुमने भी कुछ किया ही होगा। क्या तुम एक्सपीरियंस में पे होते हो भी, है ना? अभी तो यू गाइस आर लाइक परमानेंट इंटर्न्स, पर तुम्हें चीज भी बहुत बड़ी मिलने वाली है उसके बाद। ये कॉस्ट है जो तुम फोरगो कर रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसके बाद में जो चीज है ये यूपीएससी जो पोस्ट तुम्हें देता है, इट इज टू ह्यूज, तो तुम भूल जाओगे ये वाले दुख दर्द अपने सारे, है ना? नए वाले आएंगे वो तुम्हारे पास कि पोस्टिंग तो मिल गई, पैसा भी बहुत है पर समझ नहीं आ रहा खर्चू कहाँ अब, है ना? गांव की दुकान में बिस्किट भी नकली आ रहे हैं, ये पार्लो जी क्या होता है। एक और फैक्ट लिखिए बच्चे,
states, comma, under pressure, states, comma, under pressure to achieve 100% ABPS eligible job cards, yeah, 100% ABPS linkage, comma, have deleted a significant number of cards. चलो जी, है ना, जीनियस मूव. तो मैं यही बोल रहा हूं कि टास्क एट हैंड है कि 100% लिंक होना चाहिए. तो कैसे करोगे आप, कैसे भी करोगे, चलाक लोग हो तुम. और इसी में ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ये एक एजेंसी है, LibTech, LibTech, एक ही वर्ड है, टी कैपिटल है somehow, LibTech, LibTech, LibTech इंडिया रिपोर्ट्स, 7.6 करोड़ वर्कर्स हैव बीन डिलीटेड, 7.6 करोड़ वर्कर्स हैव बीन डिलीटेड. आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में आइए, पेज नंबर 3, नीड फॉर एबीपीएस. द गवर्नमेंट डिसीजन टू मेक द एबीपीएस मैंडेटरी स्टेम्स फ्रॉम इट्स इंटेंशन टू स्ट्रीमलाइन वेज डिसबर्समेंट एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, गवर्नमेंट भी आपको लीकेज वीकेज बोलता हुआ दिखेगी नहीं, पैसा वैसा बचाना कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नहीं हो रही है, यह डिफरेंट चैनल से हो रही है, आई डोंट नो. तुम जब जाओ सर्विस में मुझे बताना, फिर किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे ये वाला भी. नेक्स्ट इज, इसके नीचे देखेंगे बच्चे, एक्टिविस्ट कंसर्न. ये भी मेरे को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगे थे इनके, इसके ऊपर एक्टिविस्ट ने जो जो चीजें बोली हैं, आर्ग्यूज दैट एनफोर्सिंग एबीपीएस इन्फ्रिंजेस अपॉन द राइट टू वर्क. बात सही है कि नहीं है, क्या लगता है? दे क्लेम इट कॉन्ट्राडिक्ट स्पिरिट ऑफ मतलब यू थिंक अदरवाइज. ठीक है, ये एक्टिविस्ट है, आप पैसिविस्ट हो, है ना? पैसिविस्ट जॉय है ना, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है वो बच्चे, थोड़ा सोच के देखो इस पे. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ो, दे क्लेम इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट. स्पिरिट समझते हो, रूह, कि एक्ट क्या करना चाह रही है उसकी. एक्चुअली स्पिरिट का मतलब वही होता है. ठीक है बच्चे, चले आगे. बच्चे ये एक सवाल आया था 2011 में, जैसे मैं आपको बता रहा था मनरेगा के ऊपर और भी सवाल आए हैं, बट वो यूपीएससी किस लेवल पे खतरनाक है, एक बार ये सवाल पढ़ के देखो. आ रहे, नजर आ रहे, कितना सिंपल सा सवाल है, लेकिन ऑप्शन देखते ही दिमाग घूमता है. आपको आते ही बोला था मैंने ये, राइट? हाँ, इट्स डी. सो इट इज एडल्ट मेंबर ऑफ एनी फैमिली, एनी हाउसहोल्ड हु इज विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल लेबर. अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स के लिए है ये. ठीक है, तो डरना नहीं है आपने. ठीक है, अगर यूपीएससी वगैरह नहीं होता कोई चक्कर नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे आईएएस ऑफिसर लगे हैं, काम जल्दी हो जाएगा आपका. मनरेगा के बारे में पता है आपको बेसिक बेसिक? क्योंकि मेरे को ना हमेशा ही एक पर्टिकुलर स्कीम ऐसी है जो मैं, जैसे आपको पहले बोला कि ये आती रहेगी, सालों साल ये पेपर में आएगी.
शॉर्ट एक बारी लिख लो जरा, दो चार फैक्ट्स बता देता हूँ मैं इसके मनरेगा के ना, बाकी डिटेल में तो आप पढ़ ही लोगे, है ना, डिटेल में तो आप पढ़ ही लोगे ना, मेरा दिल बैठ जाता है हाँ बोल दिया करो। पॉइंटर्स में लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं सिर्फ। 2005 लॉन्च्ड इन 2005 सेमीकॉलन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वन थर्ड बेनिफिशरीज टू बी विमेन, ये सारे आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये, ठीक है जी। कितनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है बंदे, ठीक है, मतलब ये नहीं लिखते, फिर रहने देते हैं। Wages must be paid according to statutory minimum wages, statutory minimum wages specified for agricultural laborers in the state specified for agricultural laborers in the state under the minimum wages act 1948, ठीक है, ये प्री में पूछा जा सकता है कि wages किसके अकॉर्डिंग होती है। लास्ट पॉइंट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ये सारे एक्ट ना इकट्ठे इकट्ठे पढ़ने होते हैं, ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट, वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, वो वाले जो जितने भी एक्ट्स हैं, माइंस एक्ट, प्लांटेशन एक्ट, लेबर लॉस कहते हैं जिनको, हाँ अभी कंपाइल हो चुके हैं ये, पर वो कंपाइलेशन समझ में कम आती है, उससे पहले ये वाले एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं कि कंपाइल किया किसको है। The Act mandates Gram Sabha, ध्यान से, Gram Sabha, ग्राम पंचायत नहीं है, सरपंच और उनके पंच नहीं लेंगे डिसीजन, Gram Sabha, कौन कौन है Gram Sabha में, इलेक्टर्स, हाँ परफेक्ट। तो बस यही कैच है इसमें दो चार ना आपके मनरेगा में, Act mandates Gram Sabhas to recommend the works, सेमीकॉलन, एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम, है ना स्कीम अच्छी। ठीक है बच्चे, हालांकि यहाँ पे ना एनी हाउस होल्ड में ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, हालांकि ये बेस्ट ऑप्शन था इसमें से, एनी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फॉर एनी अदर एग्जाम हो सकता है, एनी हाउस होल्ड और एनी रूरल हाउस होल्ड अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप एनी हाउस होल्ड मार के आ जाओगे, और बाहर आपके चेहरे पर स्माइल भी देखने वाली होगी कि अरे पेपर सही कराए हम, लिख लीजिए बच्चे। Guaranteed 100 days of employment in every financial year to adult members of any rural household. ठीक है, willing to do public related unskilled manual work. ये condition है, public work होना चाहिए, unskilled manual work है ये।
तेज बोल गया, एनी रूरल हाउस होल्ड, इस ये बजट में आता है इसका प्रॉपर, और मिनिस्ट्री, हाँ हाँ सेंटर से पूरी ये सेंटर की स्कीम है। हाँ जी, ओ क्या है जीडीपी की वो क्या है डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट, हाँ ऑफ दी, तो वो जिस, नहीं नहीं एम्प्लॉयमेंट जीडीपी में नहीं काउंट होगी ना यहाँ पे, उससे जो चीज़ आप अचीव कर रहे हो, जो फाइनल प्रोडक्ट है आपकी जो आएगी, या इनकेस अगर सर्विस है, इसकी डिबेट अलग है वैसे, पर जीडीपी में इसकी पेमेंट्स को डायरेक्टली हम काउंट नहीं करते हैं, उससे उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो काम करे वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने गड्ढा बनाया और भर दिया, समझ रहे हो, तो आपका एंड प्रोडक्ट इसमें कुछ आया नहीं है, फॉल्स ग्रोथ है, ये इन्फ्लेशन का वो है ये पॉइंट, मनरेगा, आप एक एसेट नहीं बना पा रहे हो लेकिन आपने पैसा दे दिया, दैट मीन्स यू हैव पम्प्ड मनी इनटू द सिस्टम, सिस्टम में कुछ चेंज नहीं हुआ, सिस्टम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट यू हैव समहाउ पम्प्ड मनी इनटू द सिस्टम, दैट मीन्स द सप्लाई ऑफ मनी इज मोर, और अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, हेंस इन्फ्लेशन। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट, दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट, जिद से जीत तक।